हलाल जानवर में सात चीज़ों के अलावा बाकी सब आज़ा हलाल हैं। हलाल जानवर में भी सात चीज़ें हराम हैं। जानवर हलाल है लेकिन सात चीज़ें उसके अंदर हराम। कौन सी सात? बहता हुआ खून, नर की पेशाबगाह, कपूरे और मादा की पेशाबगाह, गुदूद, मसाना और पित्ता। ये सात चीज़ें ऐसी हैं जो हराम हैं। और इधर हमारे लक्ष्मी चौक पे जनाब लोग बड़े शौक से जो ना टकाटक खाते हैं और ठका ठक खाते हैं और कपूरे उसमें डाले हुए होते हैं, हराम है। आगे से जाके किसी से बात करो तो कुछ दिन पहले मैं कहीं गया हुआ था, वो जनाब किसी के घर में ही वो आए हुए थे तो फिर फजाइल सुनाते हैं। भाई एक चीज़ को शरीयत ने हराम कर दिया तो अब उसको क्यों खाएं हम? हाँ जी, ओजड़ी, आंतें, फेफड़े सही तरीके से साफ़ करके खाने में गुंजाइश है, हलाल है, कोई मसला नहीं है। ओजड़ी को सही तरीके से साफ़ कर लिया जाए, खा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। वैसे किसी का दिल नहीं करता, उसको कराहत महसूस हो रही है, तबान वो ना खाए उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको खाना। और ये बाज़ारों में जो हम जाके खाते हैं ना क़ीमा और कबाब, अक्सर आपको ओजड़ी मिलती है क्योंकि इसका क़ीमा बड़ा अच्छा बनता है। तो जितनी ओजड़ियाँ होती हैं चीज़ें इस किस्म की, सब हम बाज़ार के सीख कबाब में क़ीमों में खा रहे होते हैं, बड़े शौक से खा रहे होते हैं, अच्छी पेमेंट दे के खा रहे होते हैं, तो ख़ुद घर में भी खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।